अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं डॉक्टर अब्दुल अली खान। हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी। हमारे पास 24 आवर्स के लिए कार्डियक एम्बुलेंस है, जिसमें नया टेक्नोलॉजी के साथ मशीन सब उसमें लगी हुई है। मुमरा से लेकर डुम्बोवली तक के लोग हमारे हॉस्पिटल से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारे पास अच्छे अच्छे रूम हैं, डिलक्स रूम है, स्वीट रूम है, हर तरह की फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में माशाल्लाह मौजूद है। मैं हूं अनिल राजभर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से सटे कल्याण में शनिवार को एक निर्माणाधीन स्थल पर पानी से भरे गड्ढे में 11 वर्षीय रियान शेख की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यह घटना कल्याण में उस समय हुई जब रियान शेख स्कूल से घर लौट रहा था। बताया जा रहा है कि लड़के की गेंद रास्ते में एक निर्माणाधीन स्थल के गड्ढे में गिर गई और वह उसे निकालने के लिए गड्ढे में घुस गया, जिसके बाद वह दलदल में फंसता चला गया। लोगों ने रियान शेख को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे और वह डूब गया। और स्थानीय दमकल कर्मियों की मदद से शव को बाहर निकाला गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस संबंध में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया है। जो एक कॉल आला कि कैलाश नगर रवि हॉटेल्सच्या समोर एक खड्डा आहे, त्यामध्ये मुलगा बुडून आलेला आहे। तर ती घटना ही माहिती मिळताच आम्ही सर्व प्रथम पाळीतील सर्व कर्मचारी सकट या घटनास्थळी हजर झालो आणि घटनेची सर्व पाहणी करता आम्ही त्यावरती बोट टाकली आणि गळ आणि बांबूच्या सहाय्याने त्या बॉडीला शोधकार्य सुरू केलं। आणि थोड्या टायमानंतर एक 10 मिनिटानंतर आम्हाला बॉडी सापडली आणि ती काढली आम्ही। ती काय ते काय माहीत नाही आम्हाला। रियाज शेख म्हणून मुलाचं नाव आहे, रियान शेख म्हणून।